हेलो बच्चों, मैं हूँ अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 फिजिक्स का, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा, पहला ही टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो अच्छे से इस टर्म को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो स्टैटिक, बच्चे इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है करंट, और करंट किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से, फ्लो ऑफ चार्जेस या चार्जेस की वजह से। यहां पे एक टर्म है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब बच्चा चार्जेस रेस्ट पे होंगे, उस टर्म को बोला जाएगा इलेक्ट्रो स्टैटिक। जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, उस टर्म को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब हमारे चार्जेस रेस्ट पे होंगे और उस टर्म की हम स्टडी करेंगे, उस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट टर्म है बच्चा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, राइट? लेकिन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्रिक्शन करवा कर हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देखिए बेटा, दो हैंड है, दो हाथ है, ठीक है? ये फर्स्ट हाथ और ये सेकेंड हाथ। बच्चे, ये दोनों हाथों को अगर मैं रब करती हूँ तो आपको पता है इसमें क्या आता है? हीट प्रोड्यूस होती है। हम रब करते हैं अगर दो चीज़ों को, दो मेटल्स को, मान लेते हैं ये मेटल M1 है और ये मेटल M2 है, या कोई सबस्टांस M1 है और दूसरा सबस्टांस M2 है। अगर इन दोनों सबस्टांसेस को अगर हम रब करते हैं तो इनमें क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब दो चीज़ों को रब करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, उस टर्म को बोला जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी डिवेल्प्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चा, नेक्स्ट टर्म आती है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एक्सपीरियंस करता है, या फिर बोल सकते हो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बेटा, ये जो लाइन का मतलब है कि इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है चार्ज। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड पॉजिटिव एंड दे दिया और दूसरी साइड नेगेटिव एंड दे दिया। इसमें चार्ज को रखा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा? नेगेटिव की साइड, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एज यू नो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अगर ऑपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो बच्चा, यहां से क्लियर होता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस साइड को जाएगा? ये नेगेटिव प्लेट की साइड जाएगा, ना कि पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहां से तो उसको रिपल्शन मिलेगी। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की साइड। तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा नेगेटिव प्लेट की साइड। तो ये एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमने अभी रीड किया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चा, बात ये आती है कि कारण क्या है चार्जिंग का? चार्ज कैसे बनता है? पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है या फिर नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मेटल M1 है और मेटल M2 है। अगर इन दोनों को मैंने रब किया, फ्रिक्शन करवाया इन दोनों में,
तो मान के चलते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात ये आती है इसके ऊपर पॉजिटिव ही क्यों आया और इसके ऊपर नेगेटिव ही क्यों आया। पॉजिटिव चार्ज बेटा इसलिए आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए ड्यू टू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूं, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। अब देखिए बेरिलियम के इनर शेल में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। आपको पता है सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, बट हमने कितने फिल किए 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स में और फिल होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, बट इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई किसी को देता नहीं। सो फिर यहाँ पे एक और मेटल है दैट इज द ऑक्सीजन, एक और एटम है। अब ये एटम है आपके पास, इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए एंड आउटर शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 8 में से 2 गए कितने हो गए 6, अभी दूसरे शेल में कितने फिल हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और सेकेंड शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तो टोटल मतलब सेकेंड शेल में कितने होने चाहिए 8, लेकिन हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो मतलब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अगर इसको इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का साइन। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से किसी मेटल के ऊपर नेगेटिव और किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। इसी तरह से मैंने यहां से बोला कि अगर जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और जिसने गेन किए उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज आती है, देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई। अब इन दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मास ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस। सो जो पॉजिटिव मेटल होती है इसका लेस मास होता है और जो नेगेटिव मेटल होती है इसका ज्यादा मास होता है, तो लार्ज मास। आई होप बच्चे इतना क्लियर हो गया होगा। इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। अब यहाँ पे भी यही पढ़ेंगे हम, अ बॉडी अक्वायर चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। देखो यही बोल रहा है कि बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, दे देती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन अक्वायर नेगेटिव चार्ज, जो बॉडी लेती है गेन करती है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, जब बॉडी चार्ज्ड हो जाती है इट्स मास ऑल्सो चेंजेस, उसका मास चेंज करता है। अ बॉडी अक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हैज लेस मास, उसका मास कम होगा, और बॉडी अक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज हैज इंक्रीज इन मास, उसका मास भी इंक्रीज होगा। आई होप कॉज ऑफ चार्जिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा।
ओके बेटा, यहाँ तक आज हम कोज ऑफ चार्जिंग तक पढ़ते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में या फिर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।